लगी बधाई दो। ठीक है ठीक है, कैसी लगी आपको बधाई दो। ठीक है, कैसी है पिक्चर बधाई दो। ठीक है, नाइस मूवी, नाइस मूवी, गुड टू वॉच। आपको कैसी लगी सर पिक्चर? ठीक था पिक्चर, मजा आया थोड़ा मजा आया। वो शादी किया ना तो उसका थोड़ा कहता था घर में रही है, मगर ठीक है तभी भी। अच्छा ठीक ठाक पिक्चर है, इतना मजा नहीं आया मतलब थोड़ा मजा नहीं, मगर ठीक है। ओके ओके, कॉमेडी था? हाँ थोड़ा था। ओके, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, भूमि पेडनेकर है। हाँ, हाँ, और राजकुमार राव है। हाँ, राजकुमार उनका बहुत एक्टिंग अच्छा था, एक्टिंग अच्छा। हाँ, और उन्होंने जो गे का ये किया है वो बहुत अच्छा है। वो लोग के गे के बारे में वो लोग ने बहुत अच्छे से मैसेज दिया है। अच्छा, तो गे लोग बहुत अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से अपने आप को प्रोडक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंडियन ऑडियंस ये कंसेप्ट को एक्सेप्ट करेगी। हाँ इंडियन ऑडियंस कर सकते बहुत अच्छी मूवी। बधाई दो, कितनी बधाई देंगे? बधाई मैं देखूंगा तो लाइक ठीक है, एंजॉयबल मूवी है। इट्स समथिंग लाइक कुछ सिमिलर के ऊपर जो हमारे जो सोशल में जो है लाइक देखने जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से मूवी को चैनलाइज किया। देखिए आपको सबको सबके चाय पर चाय और कॉफ़ी पसंद नहीं आते, तो कुछ लोगों को पसंद आई होगी, कुछ लोगों को नहीं पसंद। मैं एक्टिंग वाइज इट्स अ क्लासिक मूवी, इट्स मेंट फॉर लिमिटेड ऑडियंस। हम जैसे कमर्शियल होगी, कमर्शियल बेसिस के हिसाब से मेरे ख्याल से उतना चले या नहीं चले आई डोंट नो, लेकिन एक्टिंग राजकुमार भूमि चा सुपर। मैं बोला ना एक्टिंग वाइज एवरीवन हैड गिवन द बेस्ट शॉट इन दिस। जो उनमें जो 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 चाइनीज एक्टर, आई डोंट वांट टू से शी इज़ नॉट इंडियन एक्टर सॉरी टू अपोलोजाइज माई सेल्फ। हाँ, जो नॉट इंडियन एक्टर, शी हैव डन सुपर एक्टिंग। जो उसमें दिखा है, जो उनकी माँ का रोल है काफ़ी उन्होंने भी अच्छी तरीके से दिया। एक जो बोलते ना जो जो दिल वाला दुनिया जो सोशल मैसेज दिखा, बच्चे लोग भाग के शादी करते नहीं, घर पर आओ, फिर इस तरीके से जो है मतलब जैसे जैसे जो यश राज और जो पहले जो फिल्में आई थी ऐसे प्लॉट पे जो थी शुभ मंगल सावधान दस एन एफ आशिकी आई, तो हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उन्होंने ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया ये प्लॉट पे। देखिए आप विकी दोनों ने एक्सेप्ट किया था, कॉमेडी पैकेज में मिक्स करके एक्सेप्ट किया था, जिसमें दिखाया कि हस्बैंड वाइफ को बच्चे नहीं हो तो किस तरीके से क्या क्या करने पड़ते हैं, तो वो भी एक्सेप्ट किया। इट विल टेक टाइम टू एक्सेप्ट द पीपल इन द सोशल लाइफ, बट आई थिंक सो इट्स एज अ क्रिटिक वाइज आई एम टेलिंग यू इट्स रियली अ गुड मूवी, यू शुड कम। आई रियली वांट द ऑडियंस टू कम एंड एंटर इन द थिएटर, अंडरस्टैंड करो क्या प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। आपके ही बच्चे होंगे अगर जिनके जो हो, तो आई होप फॉर द बेस्ट ऐसे ना हो, अगर है तो लाइक फॉर दिस इज द मेन ऑडियंस। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, इसके ऊपर पेंडिंग वेंडिंग चल रहे हैं, सेक्शन 370-377 समथिंग जो केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर। ओपन माइंड सीरियस में बोल रहा है, सोशल मैसेज मूवी है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्टिंग है सुपर, और इसमें जो कॉमेडी जो जैसा मस्ती खोर बीच में कॉमेडी जो दिया, हम लोग तो थिएटर में चिल्ला रहे मस्ती कर, हमारे पीछे जो ऑडियंस है उन्होंने भी इंजॉय किया था। मेरे ख्याल इट्स रियली गुड मास मूवी है, यू शुड कम। मैंने आउट ऑफ आई गिव फॉर टेक्निकल 3.5, इट्स रियली गुड एंड इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा खींच जाता है तो लाइक उसके लिए थोड़ा बहुत ये, लेकिन ओवरऑल हैज अ एक्टिंग वाइज मैंने सारे एक्टर्स जो इसमें जितने भी छोटे बड़े जो जिन्होंने भी रोल किया, हैट्स ऑफ यू गाइज अर्न माई रिस्पेक्ट किया, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर काम करना और चैनलाइज करना पहले से आपको ऑडियंस बुरी तरह से हिट भी करेगी, ये क्या कर लिए हो भाई, कुछ भी कर दे, बेवकूफ़ी गिरी का काम कर दे, तुमको ऊपर ये सब रोल सूट दिया। भूमि चा जो जैसे जो जैसे किरदार, मैं बोलता ना हमारे एक्टर ना ऑस्कर के लायक ही है, अगर उनको जो बोलते ना अगर एक्टिंग स्किल है बॉलीवुड हॉलीवुड को भी टक्कर दे देंगे भाई, जो इन्होंने करके दिखाया काम। इट्स रियली गुड मूवी, आई रिक्वेस्ट ऑडियंस प्लीज़ कम एंड वॉच द मूवी।